हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौर फ्रॉम ब्रेन लाइट एकेडमी बड़वा। और आज हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस और जो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पहले डिस्कस करा था उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं कि हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। मैट्रिक्स को हम लिखते हैं इस तरह से, हमारा हर बार लिखने का तरीका एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में होता है। यहाँ पे एम नंबर ऑफ रोज है, एम नंबर ऑफ कॉलम्स है, यहाँ आई सेम चीज डिनोट करेगा, आई का रिलेशन नंबर ऑफ रोज है और जे का रिलेशन नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते थे, तो हम कैसे लिखते थे इसको, A11, A12 एंड सो ऑन, A1n इस तरह से लिखते थे इसको, A21, A22 एंड सो ऑन, A2n सो ऑन, AM1 मतलब हम m तो रुपए आ गए, जैसे बीच में बहुत सारी रोज आएंगे, AM2 एंड सो ऑन AM1। तो ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म होता था, इस मैट्रिक्स का एक्सपांडेड फॉर्म होता था। तो ये एग्जांपल के लिए अगर हमने जब देखा था इसको, तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स था, ए इज एम एन। ठीक है, ये हुआ था हमारा मैट्रिक्स। तो इसको एक्सपांडेड, अगर ये 2x2 में यहां पर ले लू, 2x2 अगर ले लू, तो 2x2 में हम इसको कैसे एक्सपांड करते थे, A11 A12 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो ये हमारा 2x2 का एक मैट्रिक्स होता। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज कर लो कि वो 2x2 का मैट्रिक्स है, A11 A12 हमने सपोज कर लिया, A21 A22 A22, अगर हमको इसको ट्रांसपोज करना है, तो मैंने बोला है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इस रो को, ये जो रो है, एक तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका जो होता है A' या इसे भी लिख सकते हैं AT, का मतलब इन दोनों का मतलब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, A' का मतलब भी वही है, AT का मतलब भी है यही है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो याद रखना है तुम्हें, तो या तो ये लिखो या ये लिखो। तरीका रो को कॉलम में इंटरचेंज करना, तो पहले रो है ये, उसको कॉलम में लिख दिया, A11 A12 A21 A22, रो और कॉलम में इंटरचेंज करना, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, जब भी हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, डायगोनल के एलिमेंट्स की कभी भी पोजीशन चेंज नहीं होती। देखो, जब मैंने इस रो को कॉलम बनाया, तो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं हुई, जो यहां पे थी वो यहां पे। तो ये बात है, ये याद रखना है तुम्हें, है ना, पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती डायगोनल एलिमेंट्स की, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यही होता है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, ए हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहला सकता है, कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ रोज है जो, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, उनको इंटरचेंज करके, ठीक है, एक नया मैट्रिक्स बनाए, जो मैट्रिक्स जो ऑप्टेन होता है जब हम कॉलम्स और रो को इंटरचेंज करते हैं, और एक नया मैट्रिक्स जब ऑप्टेन होता है, तो हम उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है, तो जब ये चेंज हो जाता है, जैसे ही मैंने इसको डेस करा, ठीक है, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, तो क्या हुआ, ऑर्डर चेंज हो गए, तो ये हो जाएगा AJI, ऑर्डर चेंज हो गया, जो पहले आई का काम कर रहा था वो जे करने लग जाएगा, जो जे था वो आई करने लग जाएगा, इंटरचेंज हो जाती है पोजिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका भी ऑर्डर चेंज हो गया, एम और एन का, तो ये हो जाएगा N×N। तो A' को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ऐसे ही तुम्हारे पास एग्जांपल के लिए अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स आ जाए,
3, 2, 1, 2, 0, 1, 1, 0, -1 ये मैट्रिक्स है, ए टेल ए करके एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर तुमको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो मैंने क्या बोला कि ये जो रो है इसको कॉलम में लिख दो 3, 2, 1, सेकंड रो इसको भी कॉलम में लिख दो 2, 0, 1, 1, 0, -1 तो ये हमारा आंसर हो गया, एट एस इसी को हम ट्रांसपोज होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो, मतलब एट एस का भी बेस निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, एट एस का मतलब ट्रांसपोज का भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो एट एस बेस, तो क्या करना पड़ेगा, जो हमने एट एस निकाला उसका वापिस से ट्रांसपोज निकालो, तो यही हो जाएगा 3, 2, 1 वापिस इस रो को कॉलम में लिख दिया 2, 0 सॉरी यहाँ पे 2, 0, 0 ठीक है एंड 1, 1, -1 तो हमारा ये ए वापिस मिल गया हमको, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है उसका वापिस अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वापिस सेम एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाता है जो हमको पहले क्वेश्चन में दिया होता है, तो ये देखो सेम वैसे आ गया, और ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है ए होता है, ये चीजें याद रखना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यही है कि जब कोई भी रो दी हुई है और कॉलम दिया हुआ है उनको इंटरचेंज करके एक नया मैट्रिक्स बना ले, उसी को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 उसे बोला ट्रांसपोज फाइंड करो और एक मैट्रिक्स दे दिया a=5, 1/2, -1 इसका ट्रांसपोज निकालने का बोल रहा है, कुछ भी नहीं करना, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ये कॉलम के फॉर्म में दिया हुआ है इसको रो के फॉर्म में लिख दो 5, 1/2, -1 तो ये हमारा इसका ट्रांसपोज हो गया। ऐसे ही फर्स्ट का फर्स्ट था ये, फर्स्ट का सेकंड, अगर हमको a दिया हुआ है 1, -1, 2, 3 अगर हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है एट एस तो हम कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में लिखना ही 1, -1, 2, 3 ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है, कभी भी हम जब भी ट्रांसपोज निकालते हैं तो डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, देयर इज नो चेंज इन डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल की जो पोजीशन है डायगोनल पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, तो ये बात तुमको ध्यान रखना है। तो एट एस इक्वल टू 1, 2, -1, 3 ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमको 3x3 का भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको भी देख लो, तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1 तो एट एज इक्वल टू कितना हो गया ये हमारा, इसका ट्रांसपोज निकाला तो -5, 1, 5, 6 रो को कॉलम में लिखना है, ठीक है, √3, 5, 6, 2, 3, -1 तो ये हमारा एडीएस आ गया, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वेरीफाई करना है हमको, एक मैट्रिक्स दिया हुआ -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 और बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1 इसके फर्स्ट पार्ट में हमको ये वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई दैट ए प्लस बी डेज इक्वल टू ए डेज प्लस बी डेज, ये हमको फाइंड करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेरीफाई करना, तो एलएचएस लेके चलना है, एलएचएस लेने से पहले हमको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस बी हम पहले फाइंड कर लेते हैं, तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इन दोनों का प्लस, दोनों का ऑर्डर से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1
ठीक है, बी हमको दिया था माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन, तो माइनस वन माइनस फाइव फोर, तो माइनस फाइव टू प्लस वन थ्री, थ्री माइनस फाइव माइनस टू फाइव प्लस वन सिक्स, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन माइनस टू वन माइनस वन वन थ्री फोर फोर वन वन टू, तो ये हमारा ए प्लस बी आ गया, ठीक है ए प्लस बी आ गया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना हमको, एलएचएस ले लेते हैं हम, उसने बोला है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना। तो जब हमने जो ए प्लस बी निकाला है इसमें जो रो है इसको हमको कॉलम में लिखना है, इसी को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स है इनको इंटरचेंज करना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये रो को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं तो कितना जाएगा माइनस फाइव थ्री माइनस टू सिक्स नाइन, नाइन माइनस वन फोर टू, ठीक है। आर एच एस पार्ट हमको क्या बोल रहा है, ए डेज प्लस बी डेज निकालो, तो ए डेज मतलब ए का ट्रांसपोज, तो ए वाला मैट्रिक्स ये है तो इसका ट्रांसपोज करके लिख लेते हैं माइनस वन टू थ्री, इंटरचेंज करके लिखना क्योंकि डेज लगा हुआ है ट्रांसपोज का मतलब इसका टू सॉरी फाइव सेवन, फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन वन प्लस, इसको भी इंटरचेंज करके फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन, तो कितना हो जाएगा ये माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, फाइव प्लस वन कितना हो गया सिक्स माइनस टू प्लस वन माइनस वन टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, सेवन प्लस टू कितना हो गया नाइन, वन प्लस थ्री कितना हो गया फोर, थ्री माइनस फाइव माइनस टू नाइन प्लस जीरो कितना हो गया नाइन, और वन के करेस्पॉन्डिंग वन कितना आ गया। एलएचएस एंड आरएचएस दोनों के साथ है इक्वल, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें भी वेरीफाई करना है। तो a माइनस बी निकालने के लिए माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन, ठीक है माइनस बी, मैं सबसे पहले a माइनस बी फाइंड कर रहा हूं, ठीक है उसके बाद हम देखेंगे। b हमको दिया हुआ है माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन, तो माइनस वन और रिपीटर यहां पे ध्यान रखना है माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस में माइनस टू प्लस करके लिख लेना एक बार तुम चाहो तो, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है टू माइनस वन कितना टू माइनस वन थ्री माइनस, ये माइनस माइनस प्लस तो यहां लिख लेना फाइव, फाइव माइनस वन सेवन माइनस टू नाइन माइनस जीरो माइनस टू माइनस वन वन माइनस थ्री वन माइनस वन, तो कितना हो जाएगा ये फोर वन एट फोर फाइव नाइन माइनस थ्री माइनस टू जीरो। एलएचएस सबसे पहले एलएचएस निकालना है,
ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी हमने यहाँ फाइंड कर लिया था, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में लिखना, तो क्या हो जाएगा ये 4 1 8 4 5 9 माइनस 3 माइनस 2 0, तो ये हमारा आ गया। ऐसे ही आरएचएस निकालना है, एट एस माइनस बी डेस का मतलब ए का ट्रांसपोज ट्रांसपोज हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 1 बी क्या दिया हुआ है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 -4 कितना हो गया, ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो ये प्लस हो जाएगा 4 3, तो 3 बचेगा 5 -1 4 -2 -1 कितना हो गया -3 2 -1 कितना हो गया 9 -2 7 -2 कितना हो गया 5 1 -3 -2 3 -5 कितना गया 8, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8 9 -0 कितना हो गया 9 1 -1 कितना हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS। ऐसे भी मैं क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो देखो -1 2 1 1 2 3, तो 3 -1 2 4 +1 5
माइनस वन टू वन टू टू फोर वन थ्री सॉरी हमारा है वन थ्री फोर तो एनएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया ये